हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सर्वप्रथम तो आप सभी को बीएससी फाइनल ईयर पास होने की और ग्रेजुएशन होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, अब आपके सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई होगी कि अब हम आगे क्या करें, क्योंकि आप जो है अब बीएससी फाइनल की कक्षा पास हो चुके हैं। तो अब इसके पास आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस खुलेंगे, क्या करें और ना करें। तो बच्चों, इसको लिए हम जो है अगली वीडियो में हम इसमें बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। दुर्ग यूनिवर्सिटी का आया हुआ एक नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको अगर आप एमएससी करने के इच्छुक हैं, अगर आप एमएससी करने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए एक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आज देखिए, आज डेट भी देख सकते हो, यह है 18/11/2020, यानी कि ये आज का ही नोटिफिकेशन है। जो भी स्टूडेंट्स आगे ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि एमएससी करना चाहते हैं, और वह भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्या किया गया है, इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। क्या किया गया है, ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। तो इसकी स्टार्टिंग जो है बच्चों आज ही से शुरू कर दी गई है, और इसका जो निर्धारित जो तिथि है 18 से 30 तारीख तक है। मतलब कि आपका जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आज से मान के चलिए आज से शुरू हो चुका है, और कब तक है इसका लास्ट डेट, 30 तारीख तक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें आगे हायर एजुकेशन की पढ़ाई करनी है, तो यानी कि एमएससी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप सभी को एमएससी करना पड़ेगा। अगर आप एमएससी करने के इच्छुक हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने हर साल फॉर्म भरते हैं, वैसे ही इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों कि एमएससी की जो सीट्स होती हैं, यहाँ पर क्या होती है, एक लिमिट सीट होती है, ठीक है ना। क्या होता है कि हर कॉलेजों में एमएससी की सीट्स नहीं होती है। आपको ये पता करना होगा कि कौन कौन से कॉलेजों में एमएससी है और कौन कौन से सब्जेक्ट में है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप मैथ्स फैकल्टी से हैं कि बायो फैकल्टी से हैं। अगर आप मैथ्स फैकल्टी से हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे, कौन कौन से, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये तीन फील्ड आएंगे, आपके तीन सब्जेक्ट आएंगे जिसमें से आप एमएससी कर सकते हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जहां पर मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, एमएससी हो रहा है। तो आप उन कॉलेजों का क्या करेंगे, चयन करेंगे। वैसे ही क्या होगा कि अगर आप बायो फैकल्टी वाले हैं, तो आपके पास भी क्या होंगे, बायो के लिए तीन एमएससी के चांस होंगे बच्चों। कौन सा होगा, पहला होगा आपका बॉटनी का होगा, दूसरा होगा आपका जूलॉजी का होगा, और तीसरा होगा आपका केमिस्ट्री का होगा। फिर से वही बात होगी बच्चों, जहां पे आपको देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर इन तीनों में क्या हो रहा है, एमएससी हो रहा है। तो आपको उन्हीं कॉलेजों में क्या है, उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आप कोशिश ये करेंगे कि आप जो है तीनों सब्जेक्ट में क्या करें, फॉर्म फिल करें, ताकि आपका नंबर किसी में भी लग जाए, और एक ही कॉलेज के भरोसे ना रहे। आपके आसपास जो एरिया है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आप उस एरिया के आसपास जितने कॉलेज हैं जहां एमएससी होता है, आप ज़रूर जो है उन कॉलेजों में फॉर्म फिलअप करें। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है बच्चों अगर कि आपने जिस कॉलेज में डाला है तो आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाए। हाँ, अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं, आपको मनचाहा कॉलेज और मनचाहा सब्जेक्ट मिल सकता है। क्योंकि एमएससी की जो सीट्स होती हैं वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, और उसको करने वाले क्या होते हैं, स्टूडेंट की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एरिया को सर्च करिए कि आपके कौन से कॉलेजों में एमएससी हो रहा है, और वहाँ पे आप क्या करिए, फिल करिए। फिर इसका प्रोसीजर कैसे होगा बच्चों, आप फॉर्म डालेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में अगर नाम आपका आएगा तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आज का क्या, नोटिफिकेशन। अगर आप और चाहते हैं कि आपको कैरियर में, हमें ग्रेजुएशन के बाद और क्या करना चाहिए, अगर है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर कमेंट्स में मैं पढ़कर बताऊंगा, अगर लगेगा मुझे आपके कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर उसके लिए अगला वीडियो बनाऊँगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएससी फाइनल जो पास हुए हैं बच्चे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यह नॉलेज आपको मिल सके। और हमारे वीडियो को क्या करिए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूँ ही हमारे आपको जो नोटिफिकेशन हो, मज़ेदार वीडियो आपको क्या हो सके बच्चों, प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू बच्चों।